सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मान लें सुर्खियों के वल। एसजीपीसी प्रधान धामी के बयान से फूलका ने दिता तिखा जवाब। फूलका ने धामी के बयान से जताया इतराज, कहा श्रोमणी कमेटी नूं एक सियासी पार्टी वजो किया जाता इस्तेमाल। पंजाब च होया कोरोना का धमाका, 7,000 तो उपर लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 15 लोगों की हुई मौत। मीह नाल वख वख पिंडां च सैकड़े एकड़ कणक की फसल तबाह, किसानां दे चेहरे गए मुरझाए, किसान प्रशासन तो उचित मुआवजे की कर रहे ने मांग। दिल्ली की आप सरकार के साबका मंत्री एडवोकेट हरविंदर सिंह फूलका ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के उस बयान से सख्त इतराज जताया जिस तों उन्होंने पार्टी तो कढ़े जाने की गल कही। इसते जवाब देते हुए फूलका ने कहा कि धामी को संबोधन करदे कहा कि मैनू तुहाडे श्री आनंदपुर साहब तो दिते हुए बयान को सुन के बहुत ही हैरानी हुई है। इस दे नाल ही अफसोस की गल है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी इन्नी वड्डी धार्मिक संस्था को सिर्फ एक परिवार ते एक सियासी पार्टी लई ही इस्तेमाल किया जाता रहा ते किया ही जा रहा। फूलका ने कहा कि वह धामी याद करवाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उन्होंने नहीं कढ़िया, सगो उन्होंने खुद अस्तीफा दिता। उन्होंने इस्तीफे का सब तो वड्डा मुद्दा 1984 सिख हत्याकांड से, क्योंकि 34 साल बाद सज्जन कुमार का केस उस समय से दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई से आ गया सी, ते सुनवाई भी शुरू हो गई सी, ते उस समय उन्होंने कोल मंत्री का अहुदा होने कारण बार कौंसल ने उन्होंने वो केस लड़न तो मना कर दिता सी। सूबे विच कोरोना वायरस का प्रकोप निरंतर जारी है जो घट होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के मामले घट होने की थां रोजाना वधे जा रहे हैं। जेकर गल पिछले 24 घंटिया की की जाए तो इस दौरान कोरोना के नाल 15 मरीजों की मौत हो गई है, 7,373 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सामने आए मरीजों तो बाद पॉजिटिविटी दर बढ़ के 20.76% हो गई है। जिन्हां 15 मरीजों की मौत हुई है उन्होंने लुधियाना 3, पठानकोट 4, मोगा 2, SAS नगर 2 और 1 मरीज अमृतसर, गुरदासपुर, हुशियारपुर से जलंधर जिले के रहने वाले। पिछले कई दिनों तो हो रही भारी बारिश के चलद हल्के के कई पिंड कणक के आलूआ की फसल तबाह होने की खबर प्राप्त हुई है। पिंड रामा विखे सैकड़े एकड़ कणक के आलूआ की फसल मीह के पानी तबाह हो गई है। पिंड माछिके के हिम्मतपुरा विखे भी मीह के पानी 50 एकड़ के करीब फसल नुकसानी गई है। पिंड हिम्मतपुरा के पीड़ित किसान सुखमेंद्र सिंह पुत्र मल सिंह ते करमजीत सिंह पुत्र जगीर सिंह ने दसिया कि उन्होंने करमवार 3 एकड़ से 2.5 एकड़ कणक की फसल पानी डुब के खराब हो गई। उन्होंने दसिया कि हूँ भी उन्होंने फसल पानी डुबी हुई। कीर्ति किसान यूनियन के ब्लाक प्रधान नाजर सिंह खाई, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के ब्लाक प्रधान गुरचरण सिंह ने प्रशासन तो मांग की है कि पीड़ित परिवारों को नुकसानी की फसल का मुआवजा दिया जाए। रायकोट विखे भारतीय जनता पार्टी वालों विधानसभा चोणां संबंधी मीटिंग की गई। मंडल प्रधान दीपक बंसल की देखरेख हेठ हुई मीटिंग विच भाजपा के सीनियर आगू सतीश अग्रवाल ते हरगोबिंद तिवाड़ी चोन इंचार्ज हलका रायकोट भाजपा ने खास तौर पर शिरकत की। इस मौके उन्होंने भाजपा वर्करां नूं आगामी विधानसभा चोणां दे लई प्रेरित करदिआं आख्या कि विधानसभा हलका रायकोट तो थोड़े दिनों में भाजपा उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा चोणां विच भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत नाल जित हासिल करके सरकार बनावेगी ते भाजपा दे नाल नवे पंजाब दा गठन करेगी। गुरदासपुर के पिंड चौड़ सिद्धवां विच एक 10 साल बच्चे 10 कुत्तियां ने नोच नोच के खाया। लड़के के चाचे ने आख्या कि 2 लड़के पतंगा लुट रहे सन, इसे दौरान आवारा कुत्तियां ने दोवां बच्चियां ते हमला कर दिता। एक लड़का कुत्तियां तो बच के निकल गया, दूजा 10 साल लड़के अर्नव नूं कुत्तियां ने अपनी चपेट विच लै लिया। दसिया जा रहा है कि नेड़े
स्थित घर दे विच मिस्त्री लगे हुए सन। उन्होंने जो लड़के नू कुत्तियां दे चुंगल विच घिरिया देखिया तो उन्होंने बच्चे नू कुत्तियां दी चपेट विचों बचाया। लड़के दे परिवार ने प्रशासन तो मांग की कि इन्हां वारा कुत्तियां नू किते दूर ले जाया जाए। जिला गुरदासपुर के हलका श्री हरगोबिंदपुर तो कांग्रेस के सिटिंग एम एल ए बलविंदर सिंह लाडी की टिकट कट के हलके के पिंड रंगड़ नंगल के मौजूदा नौजवान सरपंच मनदीप सिंह रंगड़ नंगल से विश्वास जताते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार वजो चोण मैदान में आ रहा। नौजवान मनदीप सिंह ने कांग्रेस हाईकमान के दिले के सीनियर लीडर का धन्यवाद करद कहा कि उन्होंने राजनीतिक पिछोकड़ केवल सरपंची का ही है पर जिले के हल्के लीडर चोणों दौरान पार्टी के वर्कर होने काफ़ी योगदान पाते रहे हैं। उन्होंने कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उस वर्गे आम इंसान को टिकट दे के साबित किया है कि वह आम लोगों की पार्टी है। देश च कोविड 19 टीकाकरण मुहिम के एक साल पूरा होने मौके केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत च बने टीके कोवैक्सीन से आधारित डाक टिकट जारी की है। नाल ही उन्होंने कहा कि 70% बालग आबादी को टीके दियां दोवें खुराक दी जा चुकी ने जदों की 93% पहली खुराक दी जा चुकी है। विशेष डाक टिकट जारी करने लिए आयोजित प्रोग्राम में ऑनलाइन संबोधन करते हुए मांडविया ने कहा कि यह भारतीयों की मान का पल है तो पूरा विश्व भारत की कोविड रोको टीकाकरण मुहिम की प्राप्ति तो हैरान है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने टीकाकरण मुहिम को लेकर शक जाहिर किया सी हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ सन ते विज्ञानियों ते कंपनियों उत्साहित करते रहे। मांडविया ने कहा कि भारत इन्नी वड्डी आबादी ते विभिन्नता के बावजूद 156 करोड़ खुराकां देने की प्राप्ति हासिल करन च कामयाब है। कोविड टीकाकरण मुहिम के एक साल पूरा होने मौके ICMR ते भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी टीके ते आधारित डाक टिकट जारी की गई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सुपने नू साकार करदा है। केंद्रीय सेहत मंत्री ने इस मौके सारे विज्ञानियों नू बधाई भी दी। लंबे समय तो की जा रही मांग नूं विचारदिआं भारतीय चोण कमिशन ने ECI वालों अधिकारित मीडिया कर्मियों नूं भी पोस्टल बैल्ट सहूलत की वरतों करके अपनी वोट पाउण की इजाजत दे दी है। इस तो पहला कमिशन ने 80 साल तो इस तो बाद उम्र वर्ग के वोटरां दिव्यांग व्यक्तियों ते कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों नूं पोस्टल बैल्ट राही अपनी वोट पाउण की आग्या दी सी। यह सहूलत पंजाब विधानसभा दीआं मौजूदा आम चोणां विच वोटां वाले दिन ड्यूटी ते तैनात होण कारण आपो अपने पोलिंग स्टेशन ते हाजिर ना होण वाले वोटरां दीआं श्रेणियां तो इलावा मुख चोण अफसर पंजाब डॉक्टर एस करुणा राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टल बैल्ट की सहूलत लैण वाला कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन ते जाके आम वांग वोट नहीं पा सकेगा। मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी वालों भारतीय चोन कमिशन नूं गुरु रविदास जयंती मौके विधानसभा चोणां 6 दिनां लई मुलतवी करन दी अपील कीते जाण तों बाद सूबा भाजपा इकाई ते पंजाब लोक कांग्रेस ने भी यही मंग चुकी है। पंजाब लोक कांग्रेस ने 16 फरवरी नूं गुरु रविदास जयंती के मद्देनज़र पंजाब विच चोणां 1 हफ्ते लई मुलतवी करन दी मंग दा समर्थन कीता। पार्टी के जनरल सकत्र कमल सैनी ने भारतीय चोन कमिशन लिखे पत्र च कहा कि क्योंकि गुरु रविदास जयंती तो 2 दिन पहला चोणां होणियां ने इसलिए बहुत सारे वोटरां नूं अपनी वोट का इस्तेमाल करन तो इनकार किया जा सकता है क्योंकि वह सालाना तीर्थ यात्रा बनारस तो दूर होणगे। PLC आगू ने कहा कि चोन कमिशन लई पंजाब दीआं तरीकां नूं मुड़ तय करना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी सब कुछ पहला वांग ही रहेगा। दस दिए कि पंजाब दी 117 विधानसभा सीटा लई 14 फरवरी नूं वोटां पैणियां ने ते वोटां दी गिनती 10 मार्च नूं होवेगी। केंद्रीय विदेश राज मंत्री मीनाक्षी लेखी शहीदां दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे नतमस्तक होए। इस मौके उन्होंने फतेहगढ़ साहिब के महान शहीदां नूं श्रद्धांजलियां भी भेंट कीतियां। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित 26 दिसंबर नूं वीर बाल दिवस ऐलान के सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की है तां जो आने वाली नौजवान पीढ़ी इन्हां महान शहीदां दी कुर्बानी तों सेध लै सके।
कहानियाँ इन्हों का इतिहास पढ़ते आए ने, दादी को सुनते आए ने कि छोटे छोटे बच्चों ने साहबजादा जोरावर ते फतेह जी ने फतेह सिंह जी ने किवें साड़ी कौम की इज्जत ते कौम नू बरकरार करन लई शहादत दिती। गुरु साहब की शहादत सारिआं नू अपनी कौम नू बचाण लई जिहड़े काम उन्होंने किते वह कोई भी इतिहास का बंदा भुल नहीं सकता। रीसेंटली थोड़े टाइम पहला प्राइम मिनिस्टर साहब ने इत्थे वीर बाल दिवस जिहड़ा सैक्रीफाइस बलिदान दिवस है उन्हों 26 दिसंबर नू वीर बाल दिवस भी घोषित किया है कि बच्चों के मन च भी आए कि इस कौम नू बचाने लई किन्या ने किन्नी किन्नी वड्डे काम किए ने, वड्डी वड्डी शहादतां दित्तियां ने। याद बनी रहनी चाहिए है सारे बच्चों के दिमाग च भी। उम्र का तकाजा नहीं है, जेडे वीर ने वो पैदा वीर होंगे ने ते उना दी जेडी गति है वो भी वीर गति प्राप्त करते हैं। इत्थे दा इतिहास हर हिंदुस्तानी दे मन च आना चाहिए, उन्होंने याद करना चाहिए कि जिन्हां लोकां ने सानू बर्बाद करन च कोई कसर नहीं छड़ी उन्हों का भी इतिहास याद रखना चाहिए, जिहड़ी गलतियां इतिहास च हुई ने वह भी याद रखनी चाहिए ने। देश की हिफाजत करते हुए अनेक ही नौजवान सरहदी इलाके विच शहीद हो रहे हैं, पर नाभा ब्लाक के पिंड खेड़ी जट्टां दे रहण वाले फौजी 14 पंजाब बटालियन के नवराज सिंह उमर 26 साल जम्मू कश्मीर के राजौरी बार्डर से ड्यूटी दौरान जो पेट्रोलिंग ते अपने साथियों नाल जा रहा सी तां अचानक पैर फिसलन नाल नवराज की अपनी बंदूक विचों गोली चल गई ते उत्थे ही शहीद हो गए। अज शहीद नवराज के अंतिम संस्कार मौके दूर दुराडे के पिंडां दे लोकां ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई इजाज़त दिओ, धन्नवाद।